हेरिटेज के बगल में स्वर्ग नाम का एक। चलिए गाइज आप आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। देरी ना करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि गोविंदपुरी मार्केट कितना शानदार है। जैसा कि थोड़ा बहुत क्लिप आपने देखा ही होगा, तो गोविंदपुरी का एक्सपीरियंस मेरा ये है कि काफ़ी घना मार्केट है और काफ़ी रस भरा मार्केट है, और हमेशा वहाँ पर बहुत सारी भीड़ होते हैं वहाँ पर। और मार्केट में हर एक चीज़ मिलेगी आपको, छोटी सुई से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ मिल जाएगी आपको वहाँ पर गोविंदपुरी मार्केट में जाते हैं तो। और वहाँ का एक्सपीरियंस मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, वहाँ पे रिलीजियस प्लेस बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, गुरुद्वारे, मंदिर और गुरुद्वारे इतने देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पे गुरुद्वारा बना हुआ है, आपको पूछो मत। और दुकानें तो ऐसी हैं कि एक्चुअली ऐसा है कि वहाँ का एक्सपीरियंस थोड़ा सा कि वो कंजेस्टेड जगह पर बना हुआ है, जो वहाँ के जो आप गलियों में जाओगे तो बहुत पतली पतली गलियाँ हैं, ठीक है, और कंजेस्टेड है बिल्कुल। और जो मार्केट का रोड है वो काफ़ी चौड़ा रोड है, और उस मार्केट के रोड पे ही बहुत सारी पटरियाँ लगती हैं, बहुत सारे फल फ्रूट्स सब्जियाँ और मच्छी मार्केट वगैरह, जैसा कि मैंने आपको दिखा रहा हूँ मैं आपको। इस बार भी सब्जी मार्केट लगी, ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी वहाँ पर। तो चलिए आपको देरी ना करते हुए थोड़ा और ब्लॉग आपको दिखाते हैं, तो इसी बात पर चलिए आपको दिखाते हैं। नहीं, उससे पहले हम अपना डायलॉग कंप्लीट कर लेते हैं। हेलो नमस्ते प्रणाम, मैं हूँ आपका अपना ओमकास, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ओपी के ब्लॉग्स। ये चलिए गोविंदपुरी का गोल चक्कर, घर से आप नेहरू प्लेस के लिए जा सकते हैं, इधर पड़ेगा अपना गोविंदपुरी मार्केट। तो आज हम आपको गोविंदपुरी मार्केट दिखाएंगे, चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए गोविंदपुरी मार्केट, चलिए आगे दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें। देखिए गाइस ये गोविंदपुरी का हेरिटेज एक बिल्डिंग बन रही है, तैयार हो रही है। सुनने में आया है कि इसमें आपको शॉपिंग मॉल्स वगैरह खुल सकते हैं छोटे मोटे, तो नीचे बैंक है और ऊपर शॉपिंग मॉल्स वगैरह खुल सकते हैं। देखिए गाइस इसी के सेम बगल में, हेरिटेज के बगल में स्वर्ग नाम का एक कपड़े की दुकान है, काफ़ी अच्छी बनी हुई है। तो देखिए गाइस ये गोविंदपुरी की तरफ मार्केट हम जा रहे हैं, और ये यहाँ पे आपको इधर ही आपको गुरुद्वारा देखने को मिलेगा। चलिए आगे, हम चौराहे पहुँच गए, चौराहे से आगे ले चलते हैं। ये गोविंदपुरी का मेट्रो का मेट्रो है। जब से आएंगे तो हम गोविंदपुरी मार्केट पूरा इधर ये पूरा लगा हुआ है, गोविंदपुरी मार्केट है ये देख सकते हो। यहाँ पे गुरुद्वारा बना हुआ है, और ये पूरा यहाँ से मार्केट है, आपको पूरा दिखाएंगे मार्केट। चलिए ये देखिए गाइस, यहाँ पे सारे आपको यूट्यूब की एक्सेसरीज मिल जाएगी सिंग डे लाइट पे। और आगे देखिए मोबाइल फ़ोन की दुकान वगैरह है, चलिए आगे देखते हैं। इधर देखिए बैग वैग के मार्केट लगे हुए हैं गोविंदपुरी। ये देखिए गोविंदपुरी मार्केट का क्राउड, ये है यहाँ के मार्केट। देखिए ये रोड है, मेन रोड है, अभी मैंने आपको जो दिखाया वो अंदर का मार्केट है, देख सकते हो पूरा। एक देखिए यहाँ पे भी गुरुद्वारा है, तो देख रहे हैं ना आप गाइस, देखते रहिए और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा और किस तरह मैंने आपका ये शूट किया। काफ़ी गर्मी थी बट फिर भी मैंने कोशिश करी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शूट करूँ, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा। देखिए ये गलियाँ हैं, कैसे छोटी छोटी पतली पतली ऐसी गलियाँ मिलेंगी आपको रोड के साइड पे कॉर्नर पे। रेड लाइट के बिल्कुल बगल में मंदिर भी बना हुआ है हनुमान का। और आगे चलिए, ये देखिए इधर फल के मार्केट लगते हैं गोविंदपुरी के, इधर पूरा फल का मार्केट है, आगे भी लगता है, आगे मच्छी मार्केट भी है, चिकन मार्केट दिखाऊंगा आपको मैं। और ये देखिए काफ़ी फेमस है विशाल मेगावाट कपड़ों के मामले में, तो देखिए यहाँ पे शोरूम बना हुआ है इसका विशाल मेगावाट का। ये देखिए एक और मंदिर मिल गया हमें, और ये लाइटें देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है, ये अभी लगा है, ये लाइट जो है अभी लगे हैं, और कितने ये देखिए पूरा लाइन से लगा हुआ है, बहुत ही प्यारा लगता है ये लाइट जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये वाली बहुत ही प्यारी लाइट है, देख रहे हो। ये आगे मच्छी मार्केट है, ये सिरलाल चौक की तरफ जा रहा है रास्ता, देखिए इस तरफ ये रास्ता जो है सिरलाल चौक की तरफ जा रहा है, इधर मच्छी मार्केट है, और ये आपका इधर ATM है एक्सिस बैंक का। तो आगे हम चलेंगे मच्छी मार्केट की तरफ, ये आ गए हम पूजा मसाला, और इस तरफ है ये मच्छी मार्केट, ये देखिए ये पूरा मच्छी मार्केट है, चिकन मार्केट है पूरा ये।
ये जो ज्वेलर्स की दुकान है ये देखिए बस स्टॉप है DDA फ्लैट कालका जी का। ये देखिए यहाँ का गोविंदपुरी का जन सुविधा टॉयलेट है। और ये देखिए आगे आपको बांस के मार्केट मिल जाएंगे, बांस वांस के जो कोई भी सामान चाहिए वो आगे मिल जाएगा। चलिए आगे दिखाएंगे आपको। ये देखिए मैं आपसे कह रहा था ये फर्नीचर के आइटम्स इधर मिल जाएंगे और इधर आपको बांस वांस के आइटम। ये देखिए कालीन वगैरह यहाँ पर मिलती है, देखिए ये दुकान है यहाँ पर, कालीन वगैरह आपको यहाँ मिल जाएगी। और आगे आपको मैं दिखाता हूँ, चलिए रोड के इस पार भी सब्जी मार्केट लगी हुई है। तो देखा गाइस आपने गोविंदपुरी मार्केट कितना शानदार था। शानदार बोलना मैं छोड़ना चाहता हूँ, आप बताइए मेरे को कमेंट करके मैं शानदार की जगह क्या बोलूँ। हर वीडियो में शानदार बोलता हूँ मैं, तो आपको कमेंट करके बताना है कि किस क्या बोलूँ मैं शानदार की जगह। मेरा टंग पे बिल्कुल शानदार छाया हुआ है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए। और गोविंदपुरी वाले खासकर कमेंट करेंगे शेयर करेंगे और बताएंगे कि मैंने आपका गोविंदपुरी कैसे एक्सप्लोर किया, कैसा लगा आपको अपना ही मार्केट देख के। और अपने हर एक फ्रेंड को सेंड करना इसे, ठीक है। और अब दीजिए मुझे इजाज़त, मैं था ओम प्रकाश OPK ब्लॉग से, शाइनिंग आउट। चलिए।